हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये सभी क्वेश्चंस महेश कुमार वर्णवाल सर का जो एनसीईआरटी का बुक है उससे मैंने लिया है, और लाइन बाय लाइन नहीं लिया। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि लास्ट टाइम चल रहा है, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे, जो कि जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अक्सर ये अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस अर्थशास्त्र को दो पार्ट में बांट दें, ताकि आप छोटे छोटे पार्ट में करके इसको याद कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है। अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का जो समन्वयन होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि वो अर्थशास्त्र है। यानी सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी दिया गया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बढ़ते हैं डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र का पितामह भी कह सकते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, एडम स्मिथ की है, ठीक है। इन्होंने 1976 में इस पुस्तक को लॉन्च किया था, में आधुनिक अर्थशास्त्र के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया गया। एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस पुस्तक में इनविजिबल हैंड की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो इसी पुस्तक में वेल्थ एंड नेशन। वेल्थ एंड नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर, यानी ऐसा देश को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जो कि ना तो आयात करता है ना ही निर्यात करता है, ना तो निर्यात ना ही आयात, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके संबंध में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया, जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें लिखी गई है, देखिए चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको नहीं पढ़ना है, बस छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़िए कि अत्यंत न्यून विदेशी व्यापार के कारण उत्तर जो कोरिया है इसको बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। बाकी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसका कथन है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह कथन किसका है, तो एडम स्मिथ का कथन है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है, ऑप्शन डी, निजी स्वामित्व, ठीक है। निजी स्वामित्व यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रहेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगला सवाल बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो कृषि प्रधान है, कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता ये नहीं है, ये नहीं है, न्यून प्रति व्यक्ति आय ये बिल्कुल सही, और बृहद बेरोजगारी ये सही है, यानी राइट आंसर बन जाएगा 1, 3, 4। अब बात करते हैं कि उद्योगों की प्रधानता क्यों नहीं है। उद्योगों की प्रधानता वहाँ पे होती है जो कह सकते हैं जो देश विकसित देश होता है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि भारत किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो वो आपका विकासशील के अंतर्गत आता है, ना कि विकसित। अतः उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष विशेषता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय आय हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि इन ऑप्शंस में से कोई भी सुटेबल नहीं होता है राष्ट्रीय आय के लिए। क्यों नहीं होता है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखा गया। देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी बाजार मूल्य का योग होता है, और बाकी ऑप्शंस में कहीं भी योग के बारे में जिक्र नहीं था,
इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP को ही राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का जो प्रकाशन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कार्यालय है जिसको सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं CSO कहा जाता है, जिसकी स्थापना मई 1951 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किसके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली की सर्वाधिक है और सेकंड नंबर पे गोवा आता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दिल्ली का स्थान प्रथम है। वर्ष 2017-18 में चालू कीमत यानी कि करंट प्राइस पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस दृष्टि से गोवा दूसरे स्थान पर आता है, जबकि बिहार की बात करें तो इस सूची में अंतिम स्थान रखता है बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भी जस्ट आपने ऊपर में देखा इसी के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन जो है वो 2 मई 1951 को किया गया था। डेट याद रखेगा 2 मई 1951 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक कौन थे, पीसी महालनोबिस। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 48-49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुद्ध घरेलू उत्पाद नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके बारे में अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो NDP प्राप्त होता है वो GDP में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा दें तब किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में से उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP प्राप्त होता है। भारत में मूल्य ह्रास की जो दर होता है, दर का निर्धारण होता है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष 2011-12 ऑप्शन सी फिर करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की अनुशंसा पर अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख जो समस्या है वो कौन सा है, असंगठित क्षेत्र। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो प्रमुख समस्या होती है वो असंगठित क्षेत्र के संबंध में रोजगार का आकलन न हो पाना होता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की जो गणना करना कठिन होता है। वर्तमान समय में भारत के लगभग 86% जो कार्यबल है, वर्कफोर्स है, वो असंगठित क्षेत्र के ही होते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वहाँ पे अलग होता है, जो कि हम आगे देखने वाले। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया, आप इसको पढ़िए और ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है, दादाभाई नौरोजी की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय उन्होंने कितना बताया था, 20 रुपये बताई थी, जबकि वैज्ञानिक विधियों से, मैंने आपको जस्ट बताया कि वैज्ञानिक विधियों से पूछ दे तब वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम VKRV राव ने किया था। और यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे थे DR गॉडगिल, तो DR गॉडगिल ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि यानी सब्सिडी जो अमाउंट है इसके निर्धारण हेतु गॉडगिल फॉर्मूला को दिया था, जिसे चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है जबकि प्राथमिक क्षेत्र का जो अंश होता है वो घटता जाता है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी जो सर्विस सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर जिसको कहते हैं, इसका अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे कृषि, खनन, मत्स्य आदि का अंश कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात होता है।
किसके मध्य एक अनुपात होता है? तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत मूल्य पर, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, यानी सी बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कारक लागत पर नहीं अपितु बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पाद तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों में कमी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र है, अतः प्रश्नगत विकल्प में ऑप्शन जो डी था वो गलत होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक जो गुण नहीं है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाते हैं और जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संस्था के द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की गई थी। प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग प्रदान करती है। इस सूचकांक का निर्माण किसने किया था? दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिसमें सबसे टॉप पे आते हैं महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और साथ ही साथ भारत के अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो ये समवर्ती सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हो गई थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता होगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद दो वर्ष वार्षिक योजना चला था, यानी कि योजना अवकाश था। उसके बाद अप्रैल 1992 से लेकर के 97 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि 1990 के आर्थिक संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य दो वर्षों तक योजना अवकाश रहा। उसके बाद 97 से 97 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था बताइए? सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 85 से 90, ये याद रखिएगा। और ये भोजन काम और उत्पादकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको NDC कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को और ये एक प्रकार का संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर मतलब गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं इसके सदस्य होते हैं, यानी NDC के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था? किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था? और ये है आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 92 से 97 तक मानव विकास पर बल दिया गया था। और यह पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था।
यह योजना 92-97 तक अस्तित्व में रही। यह योजना आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसे हम लोग एलपीजी सुधार के नाम से भी जानते हैं, एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक जो व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ऋण से। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय नियोजन में रूलिंग प्लान, राष्ट्रीय नियोजन में रूलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी। तो आपको पता है कि 74 से लेकर के 78 तक जो यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना रही वो 4 वर्षों तक ही चली थी और 78 में इसको समाप्त किया गया। और समाप्त करने के पश्चात जो जनता सरकार है, जनता पार्टी की सरकार ने, यानी जो मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो उन्होंने एक रूलिंग प्लान को स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था 78 से इसको 82 तक चला जाएगा रूलिंग प्लान 5 वर्षों तक। लेकिन 80 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने इसको समाप्त करके पुनः छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी 80 से लेकर के 85 तक। तो यहाँ पे फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना था। अच्छा, रोलिंग ये शब्द है, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से आया था। तो गुरनार मेडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी में ये बात कही थी, यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा वहीं से ली गई है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों तक के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। यह अर्थ जो अवधारणा थी जनता पार्टी की सरकार यानी 1977 से 80 तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि 78 से लेकर के 82 तक की बात थी, लेकिन इन्होंने ये चलाया था और उसके बाद 80 में इसको समाप्त किया गया था। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था किसने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1938 में जो कि इनका हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था सुभाष चंद्र बोस जी का, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। तो यहाँ से तीनों से चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ था, कौन सा अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में बताया कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो आपको पता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने से पहले 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा 66 से लेकर के 69 तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और 69 से 74 तक जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था, 1975 यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी क्योंकि 74 से लेकर के 78 तक चल रहा था, तो यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये आपका 20 सूत्री कार्यक्रम आया हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था 20 सूत्री कार्यक्रम का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था कि अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है। तो चयनित आधारभूत उद्योग ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और 8 प्रकार के कोर सेक्टर होते हैं। देखिए कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था में 8 ऐसे उद्योग होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। और ये कौन कौन से, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, साथ ही साथ सीमेंट और विद्युत। ये 8 प्रकार के जो कि याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, निर्धनता की जो दुष्चक्र की अवधारणा है ये प्रस्तुत की गई थी रेगनर नरकेस के द्वारा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि निर्धनता की दुष्चक्र जो है इसकी अवधारणा रेगनर नरकेस ने दिया था, और बाकी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अधिकांशता बेरोजगारी किस प्रकार की है। भारत में अधिकांशता बेरोजगारी जो होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा।
छिपी हुई बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी को एक और नाम से जानता है जिसको प्रचन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। प्रचन्न बेरोजगारी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने को हम लोग कहते हैं छिपी बेरोजगारी या फिर प्रचन्न बेरोजगारी। देखिए यहाँ पे लिखा गया, अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि छिपी अथवा प्रचन्न जो बेरोजगारी होता है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होता है, यानी जैसे काम है दो ही लोगों का और उसमें चार लोगों को जबरदस्ती लगाया गया, तो उस तरह के कहा जाता है प्रचन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। राइट, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ हम ध्यान रखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। यदि यह मूल्य वृद्धि लगातार होती रहे तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो कमी आ जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में जो मुद्रा का मूल्य होता है यानी कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के कारण बचत एवं निवेश में कमी आ जाती है जबकि ब्याज दरों में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखिएगा, ब्याज दरों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं? तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक मनी को नकदी अथवा कागजी मुद्रा का एक विकल्प माना जाता है और हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसके माध्यम से नकदी का प्रयोग किए बिना भुगतान किया जाता है। आपको पता होगा, इसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सभी के सभी प्लास्टिक मनी के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा, जो कागजी मुद्रा के बाद ये प्लास्टिक जो मुद्रा है वो एक प्रकार का चौथी पीढ़ी का मुद्रा माना जाता है। वर्तमान में क्रिप्टो जो मुद्रा है इसे भी एक डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रचलन किया गया। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव जो प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया? तो ये प्रचलन में शामिल हुआ है 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट वन है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी के आधार पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ करके अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र प्लान कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? शीघ्र प्लान कर जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। हॉट मनी ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ऐसी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र प्लान कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर हो गया, एन, यूरो आदि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है इनको हॉट मनी माना जाता है। जबकि टोकन मनी, टोकन प्रणाली आपको पता होगा, टोकन मनी जिसको सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में इसका प्रचलन कराया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल बनता है कि रुपये की मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? रुपये परिवर्तनीयता का अर्थ होता है रुपये सभी प्रकार के विनिमय यानी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है, उसे कहा जाता है पूर्ण परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अगले दिन वापसी पर दिए जाने वाले ऋण को किस नाम से जानता है? कॉल मनी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करनी चाहिए? मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करना चाहिए? तो कर में वृद्धि होता है, आपने ऊपर में देखा था, जो कि ब्याज दर में वृद्धि होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी होगा कि मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। नेक्स्ट पॉइंट की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है? तो ऑप्शन बी होगा 2011-12 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया कि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार वर्ष 2004-05 था, वर्तमान में वर्ष 11-12 कर दिया गया और यह कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन करता है। अगला प्रश्न है कि सस्ती मुद्रा का आशय है, सस्ती मुद्रा का आशय होता है कम ब्याज दर पर सस्ती मुद्रा, ऑप्शन ई होगा राइट आंसर।
क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि अपस्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें, अपस्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, तो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा, तो IFCI अधिनियम 1948 के द्वारा हुई थी। यह औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है इसको लागू किया गया था 1998-99 में, वर्ष 1998-99 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नबार्ड के नाम से जानता है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर के 85 तक था, 80 से 85 तक था, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में शिव रमन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का नियमन एवं वित्तीयन करता है। अगला सवाल, भारत में वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या रह गई है 12, �ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 12 रह गई है। 1 अप्रैल 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार की होती है। नेक्स्ट वन है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले एकमात्र संस्था कौन है, तो वो है नाबार्ड। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संस्था है और यह एक प्रकार की सांविधिक संस्था भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो RBI है वह वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाते हैं, वह रेट को क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, रेपो रेट। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है रेपो रेट पर देता है। जब वाणिज्य बैंक RBI में अपना अतिरिक्त जो कोष जमा करते हैं उस कोष पर जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों कन्फ्यूजन नहीं करना है कि रिवर्स रेपो रेट कौन देता है, कौन किसको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि SIDBI की स्थापना की गई थी, SIDBI की स्थापना कब की गई थी बताइए, तो ध्यान रखना है SIDBI की स्थापना हुई थी, यानी कि SIDBI की स्थापना की गई थी किसके लिए, तो लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संसाधन है और यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए एक धन उपलब्ध कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1969 में, 1969 बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 1980 में आंध्रा बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, यानी कि 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, RBI देश का केंद्रीकृत बैंक है, बिल्कुल सही, RBI केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर होता है, यानी कि बैंकों का बैंक के नाम से इसको जानते हैं, RBI देश की विदेशी निधि का संरक्षक भी होता है, ये भी सही है, RBI की स्थापना 1949 में, ये गलत है क्योंकि RBI की स्थापना की गई थी 1935 को और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है,
सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रथम जो गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम अगर भारतीय गवर्नर की बात करें तो सी डी देशमुख थे, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे इसका मुख्यालय वर्तमान में हम देखते हैं मुंबई में, तो लेकिन इसकी जो मुंबई लाया गया था कब, 1937 में। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता था, कोलकाता में था। कोलकाता के बाद 1937 में ये मुंबई में बना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था, सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक। देखिए यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीय द्वारा स्थापित एवं पूर्ण देयता वाला जो बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है, किसके बदले में, तो ध्यान रहेगा जो आरबीआई है वो सभी के बदले में, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के लिए वो मुद्रा निर्गमन करता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल बनता है, सॉरी अगला सवाल नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जो रिजर्व बैंक है वो कह सकते हैं स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई जो है वो किस पर आधारित होता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर मुद्रा निर्गमन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण निधि, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून तक। जुलाई से जून तक यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। भारत सरकार का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत सरकार का, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा कार्य होता है था लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक के मध्य होता है। और नई परंपरा के अनुसार भारत सरकार का जो संघीय बजट है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होती है, लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है, तो 15 माह से कम। देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया कि कब क्या होता है। अवधि यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर ऋण को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला लघु अवधि ऋण 15 माह से कम, मध्यम अवधि ऋण होता है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए, और दीर्घ अवधि जो ऋण होता है वो 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, पीएलआर। पीएलआर यानी कि प्राइम जो लीडिंग रेट होता है, इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। मूल उधार दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मूल उधार दर वह ब्याज दर होता है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी विश्वसनीय जो ग्राहक होते हैं उनको ऋण देता है। यह बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि आरबीआई के द्वारा ना होकर के अन्य बैंकों के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बनता है कि आरबीआई ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था, लघु बैंक और भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था किस समिति के सिफारिश पर, तो नचिकेत मोर समिति पर। नचिकेत मोर समिति का संबंध कब हो जाता है, 2013 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मिबोर क्या है, मिबोर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मिबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिबोर यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे लिबोर के नाम से जाता है, यानी कि जो मिबोर है एम से मुंबई होता है, तो उसी तरह से लंदन में लंदन होता है, यानी कि इंग्लैंड में लंदन होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिसको लिबोर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पार्ट वन हम रखते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपने देखा वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द यानी कि इसके जस्ट कुछ समय के बाद हम लोग अपलोड कर देंगे, तो बस आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिए। और हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।